आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एंड ईजी क्रिस्पी चीज़ी पाव और इसे बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। इस रेसिपी के लिए हम लोगों ने लिया है एक अनियन, एक टोमेटो जिसे डीसीड करके चॉप किया है, एक कैप्सिकम एंड थोड़ा सा पनीर। इन सभी को एक बाउल में लेके उसमें 2 टेबलस्पून्स मेयोनीज ऐड किया है, थोड़ा सा ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सीजनिंग बेसिकली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी टोमेटो केचप एंड चिली सॉस ऐड की है। मैं डिटेल्ड रेसिपी विद इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैंने ये पाव लिए हैं जिनको बीच में से स्लिट करके हाफ्स में कर लिया है। उसके बाद मैंने इस पे गार्लिक बटर स्प्रेड कर लिया है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट गार्लिक बटर से बेसिकली टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद इस पे एक लेयर पिज़्ज़ा सॉस की स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर एक लेयर पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ की स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर वो जो हम लोगों ने टॉपिंग बनाई थी वेजिटेबल्स को मिक्स करके उसको स्प्रेड करेंगे एंड एक लेयर और उसके ऊपर मोज़रेला या पिज़्ज़ा चीज़ की स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेगानो एंड चिली फ्लेक्स। और अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा के इसे ऑलरेडी प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 15 मिनट्स के लिए बेक कर लिया एंड सेम टेम्परेचर एंड सेम टाइमिंग फॉर एयर फ्रायर ऑल्सो। मेरा थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था तो उसे मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके उसे और ऊपर से थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल के गैस पे एक पैन में टोस्ट कर लिया। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।